नमस्कार दोस्तों, द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार, गायक, सिंगर, आपका छोटा भाई विजय राज नागवंशी जी। इन्हीं से हम जानेंगे कि इनका पहला गाना कब आया था और अभी होली में कौन सा गाना धमाल मचाने वाले हैं ये आरती न्यूज के स्टाइल में। तो आइए बात करते हैं सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले द जीबी वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से जे भी हमारे भोजपुरिया श्रोता भाई सब देखे वाला बा, सब भाई लोग के दोनों हाथ जोड़ के ऐसे से प्रणाम करता ने। सर आपका शुरुआत कब हुआ था? मेरा शुरुआत 2013 से हुआ था। 2013 से गा रहे हैं? 2013 से गा रहे हैं। उस टाइम कैसेट का ज़माना था, तो दो तीन कैसेट बनवाए थे, फ्लॉप चला गया। उसके बाद वेबसाइट का ज़माना आया, वेबसाइट पर भी गए। उस पर मेरा क्षेत्रवाइज सॉन्ग एक चला था होली का जो था। उसके बाद अब तो उस टाइम आपका पहला गाना कौन सा था? पहला गाना था एक बलिया पे ही गाए थे। अभी होली का सीज़न चल रहा है, मान लीजिए कि होली 10-20 दिन में आने वाला है, इस पर आप क्या धमाल मचाने वाले हैं? बहुत जल्दी एगो हमारे होली गीत होता, बहुत ज़्यादा धमाल मचाई, पूरा एकदम बलिया में पूरा धमाल मचाई, बहुत अच्छा। जल्द आने वाला। उसका कुछ बोल सुनाएंगे? हाँ सुना देंगे, सुना दीजिए। चढ़ते फागुन गोरी बड़ी उतर अलू, आ टोला भर के लई कंसे रंग डलावलु, अरे बलिया में हाँ बलिया में गलिया रंग वैलु, कुआरे में नसैलु ए गोरी, कुआरे में नसैलु ए गोरी, कुआरे में नसैलु ए गोरी, अरे बलिया में हाँ बलिया में गलिया रंग वैलु, कुआरे में नसैलु ए गोरी। बहुत जल्द आ गया भाई ये सर गाना, आप रिलीज हो गया है कि आने वाला है? परसों रिलीज हो जाएगा, परसों रिलीज होगा, कंफर्म है। हाँ तो दोस्तों इस गाने को होली में आप लोग प्यार दीजिए, ताकि भाई का भी मनोबल ज़्यादा हाई हो। अगर प्यार नहीं देते हैं तो मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो सर एक बात और बता दीजिए कि मान लीजिए भोजपुरी में अभी जातिवाद के प्रति ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है, कोई अजान स्टार बन रहा है, कोई राजभर स्टार बन रहा है, कोई भगवान स्टार बन रहा है, आपका इस पर क्या ख्याल है? देखिए जातिवाद जो है वो तो देखा जाए तो एक तरह से गलत है, ठीक है। और अगर जातिवाद पे अगर गाना कोई हिट हो जाता है गाना गा के, तो ये गलत है। अब वो लोग के सोच अलग है कि हाँ जातिवाद पे गाना गा, अगर मुझे भी अगर जातिवाद गाना गा के हिट होना रहता तो मैं कब का गा के हिट हो चुका रहता, ठीक है। लेकिन बट ये सब गलत है जातिवाद, क्योंकि हम राजपूत के साथ भी रहते हैं, पंडित के भी साथ में रहते हैं, राजभर के साथ में भी रहते हैं, हर जातियों के साथ मेरा मिलन है, तो हाँ संबंध है, तो ये गलत बात है, हम नहीं गा सकते हैं। अभी नया विवाद चल रहा है संतोष रेणु यादव का, ये भगवान को भी गाली दे रहे हैं, मतलब छोटू चिंगारी जी हैं वो उनको गाली दे रहे हैं, ये उनको गाली दे रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए ये सब उन लोगों की मानसिकता है, उन लोगों के बीच में क्या मैटर है क्या नहीं है इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे आप पुराने गायक हैं तो आपका कुछ ना कुछ इस पर बात रखना ज़रूरी है। मान लीजिए कि छोटे छोटे कलाकार जो हैं कि देखिए अगर उन लोगों का कोई अगर आपसी कोई मामला है तो उन लोग जाके आपस में मिले, बैठ के अपना बात करें, उस चीज़ को सोल्यूशन करें कि हाँ कैसे क्या किया जाए, क्यों जातिवाद, ऐसे गाली गलौज करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका एक गाना मैं सुना था रत्सण बजरिया वाला, वो जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा, हाँ एक लाइन उसको भी सुना दीजिए। सुनिया होलिया में चोलिया रंगवैबे कैसे, सुनिया होलिया में चोलिया रंगवैबे कैसे, असुरत सण बजरिया हिलैबे कैसे, असुरत सण बजरिया हिलैबे कैसे, उड़ा देले बलिया में गरदा खोजेले तू मोट मरदा, सब देखा दे तू रे रुबिया उघार के अपन परदा, देवंतिया खैबे न पियबे मोटैबे कैसे, असोहलिया में जोबाना रंगवैबे कैसे। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि दमयंतिया का भैया ढूंढ रहे हैं आपको। तो वो देखिए अब होली में तो चलता है, अगर होली भोजपुरी हमने कैसन माटी है कि अगर थोड़ा बहुत अगर ना गावे के तो फिर मज़ा नहीं के। अच्छा हम गए हमें एक जगह और इंटरव्यू लेवे तो कहता है कि अगर भोजपुरी में ना अश्लीलता पड़ोसल जाए तो वीडियो गाना ना वायरल हो, ऐसा कोनो बात नहीं है। अच्छा ही भी गाना चलता है आज की डेट में, देख लीजिए शिल्पी राज को।
कहाँ खराब गाना है, बस इंसान को कुछ ऐसा लगे कि हम अच्छा करे आगे चल के, ये ना हम पहले सब गवात रहल सब अपने में घिचिट पिचिट कैले रहे, लेकिन अब तो नहीं है, अब बहुत सुधार आ गया भोजपुरी में। सुधार आ गया है कि सुधार खत्म हो गया है? पूरा खत्म हो गया है, देखा जाए अभी है 20% 30% है, पूरा सही नहीं हुआ है लेकिन 20% 30% है। एक आपका गाना वायरल हुआ था शोरूम वाला, हाँ वो शोरूम से सूट दिलवाइए देता हाँ। ना एक बार दर्शक को भी गाना सुनाइए। उसमें डुएट था जो नेहराज मेरे साथ गाई थी, नेहराज के साथ में था हाँ, नेहराज के साथ में था। कि हमारा से मुँह कहे बाड़ू फुलाइले, सझिए से कोई संडरामा बाड़ू कहिले, अरे चल के बजरिया से शॉपिंग कराइए देता हो, ए राजा हो शोरूम से सूट दिलवाइए देता हो, ए राजा हो शोरूम से सूट दिलवाइए देता हो, ये राजा हो शोरूम से सूट दिलवाइए देता हो। और सर आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? मेरा यूट्यूब है चैनल विजयराज नागवंश ऑफिशियल है, और एक एनएस म्यूजिक। अच्छा, तो अगर आपको भैया का वीडियो देखना हो गाना सुनना हो तो आप इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार और बता दीजिए। एनएस म्यूजिक और विजयराज नागवंशी ऑफिशियल चैनल। विजयराज नागवंशी जी का पर्सनल चैनल है और एनएस जो है कि ये उनका सपोर्टिंग चैनल है। तो और क्या कहना चाहेंगे जो नए दर्शक आ रहे हैं उनके लिए? नए दर्शक क्या, सब अपना मेहनत करें आगे बढ़े, क्या कह सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे गार्जियन तो स्वरूप बड़े भैया नकुल जी और सूरज भैया, और एक धनु मलिक हैं, और बड़े भैया संजीव गुप्ता जी का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहता है मेरे गायकी क्षेत्र में, जो भी है सपोर्ट करते हैं मेरे, मतलब ननिहाल से हैं सब, और ननिहाल में भी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, अभी आप ननिहाल में ही? हाँ, ननिहाल में। चलिए बहुत अच्छा है कि ननिहाल में भी आपको इतना दुलार प्यार मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, भैया लोग के सब मिलेगा आगे। तो सर आपका आपका राइटर कौन है? मेरे राइटर मेरे गार्जियन स्वरूप बड़े भैया प्रदीप राज विद्यार्थी जी हैं। कहाँ के हैं वो? ये संबलपुर से लाटा के हैं, और वही मेरे आज से लेके मतलब जब से मैं स्टार्टिंग किया हूँ सबसे बड़ा उन्हीं का योगदान है। वही गाना उन्हीं का गाना गाते हैं? उन्हीं के गाना गाते हैं, बाकी और किसी का नहीं गाते हैं। अच्छा, बस एक ही राइटर? एक ही राइटर है, एक आध दो गा लेते हैं बस, पर्सनल राइटर वही है मेरे। सर आपका एक सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बलिया वाला, आप बलिया स्टार बनने के कागार पे हैं, आप बलिया स्टार पब्लिक आपको बोल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए, वो गाना भी सुनाइए थोड़ा। बबी करी हो ना लेट तुहार करम हो मेट, अरे मीन बाजार वाला गलिया में, बबी करी हो ना लेट तुहार करम हो मेट, अरे मीन बाजार वाला गलिया में, भेट हुई बलिया में बबुनी तो भेट हुई बलिया में, भेट हुई बलिया में बबुनी तो भेट हुई बलिया में, भेट हुई बलिया में कहाँ वहाँ पकड़ी में, जहाँ मन करे तहाँ पकड़ी में आना ही तो रसाना में, यही जगह भेंट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, भैया से फिर हम मिलब, जल्दी ही मिलब, तब तक के लिए धन्यवाद।